आज हम देखते हैं कि जब हम डीसी मशीन से किसी मोबाइल को ऑन करते हैं तो ऑन करते वक्त कैसे पता करें कि सेट में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो भी हमारे पास मोबाइल आएगा उसमें हमें मोबाइल को ऑन करने के लिए वहाँ पर बैटरी का वोल्टेज जो सेट कर देना है वो 4.0 या 4.2 वोल्टेज के समथिंग सेट कर देना है, और जो आपका एम्पियर है वो आप एम्पियर उसका फुल सेट कर सकते हैं, यानी 5 एम्पियर, क्योंकि इस मशीन का जो मैक्सिमम एम्पियर कैपेसिटी 5 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर पे हमने सेट कर दिया। और यहाँ पर हमने कुछ सेट लिए हुए हैं जिससे मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि सेट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम सबसे पहले कभी भी कस्टमर का सेट आएगा तो उसमें एक जजमेंट लेने के लिए कि सेट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है और हमको किस सेक्शन पे काम करना है और क्या काम करना है, उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमें होता है डीसी मशीन का। ठीक है, तो हम डीसी मशीन पे, तो हमारे पास ये एक रियलमी C2 है। ठीक है, इसको ऑन करके देखते हैं और इसकी एम्पियर रेटिंग देखते हैं कितनी एम्पियर रेटिंग ले रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपका सेट को ऑन करने के लिए बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे यहाँ पर ये वोल्टेज दे रहे हैं और सेट को हम ऑन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर रीडिंग क्या हो रहा है, फ्लैक्चुएट हो रही है। ठीक है, मिली एम्पियर में। अब देखते हैं अगर सेट हमारा डीसी मशीन से ऑन हो जाएगा, ठीक है, तो हमारी ये रीडिंग हमें फ्लैक्चुएशन में फ्लैक्चुएट करती रहेगी, यानी कम ज़्यादा होती रहेगी। तो ये सेट देखिए यहाँ पे ऑन हो रहा है, तो कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं, देखते हैं सेट पूरा ऑन होता है कि नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये रीडिंग जो है हमारी लगभग 200 के आसपास में ही, उसी रेंज में ही फ्लैक्चुएट कर रही है, जैसे 200, 190 और 200 के आसपास ये रीडिंग अगर वहीं पर फ्लैक्चुएट करती रहेगी तो ये सेट हमारा देखिए अभी तक रियलमी पे ही हैंग ऑन लोगों पे ही रुका हुआ है। और ये रीडिंग भी देखिए तो लगभग उसी 200 के रेंज के आसपास में ही वहीं पे आपका फ्लैक्चुएशन कर रही है, क्योंकि ये रीडिंग को थोड़ा सा और भी फ्लैक्चुएट होना चाहिए, क्योंकि सेट जब भी ऑन होगा तो ये रीडिंग यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा अप एंड डाउन होगी। तो इस सेट में जो प्रॉब्लम है वो है, यानी ये रियलमी का सेट है, इसमें प्रॉब्लम है हैंग ऑन लोगों की। और सेट जब भी बूट होता है तो बूट होते समय, यानी जब ये लोगों पे होता है, इस समय रीडिंग फ्लैक्चुएट होगी और जैसे ही स्क्रीन आने वाली होगी वहाँ पे रीडिंग थोड़ी सी और बढ़ेगी, लेकिन ये 200 के आसपास में रुका हुआ है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये सेट हैंग ऑन लोगों है, तो इसमें देखिए 200 मिली एम्पियर के आसपास फ्लैक्चुएट करता जा रहा है। ठीक है, अब हम एक दूसरा सेट लेते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि अगर हमारे पास कोई सेट आता है और वहाँ पर ये जब एम्पियर रेटिंग देखते हैं तो लगभग एक रीडिंग के आसपास स्टक होता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे 200 के आसपास, यानी 200 था, 198 हो जा रहा था, 190 हो रहा था, लेकिन उसी के अप्रॉक्स में ही वहाँ पे फ्लैक्चुएशन हो रहा था, यानी ज़्यादा करंट यानी ज़्यादा एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा था। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा सेट एक बूट स्क्रीन पे रुका हुआ है और वो सारे फंक्शन को एक्टिव नहीं कर पा रहा है जहाँ जहाँ पर उसको एम्पियर भेजना चाहिए। तो जब सारी जगह पर एम्पियर भेजने लगेगा तो यहाँ पर रीडिंग थोड़ा सा और ऊपर जाकर फिर बैक डाउन करेगी, जैसे ही आपकी होम स्क्रीन आ जाएगी मोबाइल की तो एम्पियर थोड़ा सा ज़्यादा लेकर और आपका यहीं इसी थर्ड डिजिट में, यानी 3 डिजिट में आपकी एम्पियर रेटिंग यहाँ पर फ्लैक्चुएट होती रहेगी। तो इस तरीके से हमें ये पता चला कि अगर रीडिंग कहीं पर स्टक हो जाती है, यानी एक जगह पर रुकती है, तो या तो वो सेट हैंग ऑन लोगों हो सकता है या उसमें कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जैसे कि रियलमी सेट था तो इसमें सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम भी हो सकती है या फिर इसमें MMC या CPU रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि इस जो रियलमी सेट हमने देखा इसमें हमारा सॉफ्टवेयर या MMC रिलेटेड प्रॉब्लम है। फिर हम आते हैं, फिर एक दूसरा सेट लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास एक ये सेट है, ठीक है, रेडमी का। अब हम इस सेट को ऑन करते हैं, ये क्वालकॉम सेट है, तो इसको भी हम उसी तरीके से ऑन करेंगे। फर्स्ट नंबर पर हम इसमें बैटरी पर आपका वोल्टेज देंगे। अब इसके बैटरी कनेक्टर पे यहाँ पे प्लस लाइन पे मैं वोल्टेज दे रहा हूँ, तो सबसे पहले जब भी वोल्टेज दें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि यहाँ पे रीडिंग अपने आप फ्लैक्चुएट नहीं करनी चाहिए विदाउट पावर बटन प्रेस किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखिए लगाया अब Vbat पे और यहाँ पे अभी कोई रीडिंग नहीं ले रहा है। अब हम बटन को प्रेस करते हैं, तो ध्यान से देखिए कि रीडिंग कितनी जा रही है। फिर से मैं प्रेस करता हूँ, ये लगभग 100 के अप्रॉक्स में जा रही है, 100 और 90 के अप्रॉक्स में जा रही है। अब देखिए जैसे ये रीडिंग मैंने पावर बटन प्रेस किया तो 100 या 90 के अप्रॉक्स में गई और फिर रीडिंग जीरो हो गई। ठीक है, तो कभी भी इस कंडीशन में अगर सेट आता है तो मैंने यहाँ पर देखिए बैटरी कनेक्टर पे एक मैंने क्लिप लगा रखी है और मैं डायरेक्ट Vbat पे सप्लाई दे रहा हूँ प्लस की, और एक ग्राउंड मैंने इसमें लगा रखा है।
तो इससे यहाँ पर है कि आपका रीडिंग देखिए, ये क्वालकॉम का सेट है, अगर यहाँ पे 90 पर स्टक हो जाता है या फिर 100 पे स्टक हो जाता है या 200 पे स्टक हो जाता है या 150 पे स्टक हो जाता है, इस तरीके की अगर रीडिंग लेता है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले सेट में जजमेंट लेने से पहले आप क्या कर सकते हैं, उसका बैटरी भी इसमें लगाकर चेक कर सकते हैं कि सेट की कंडीशन क्या है। तो मैं इसमें सबसे पहले बैटरी लगाया और सेट को ऑन करके देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सेट में बैटरी लगाने पर ये सेट ऑन हो रहा है, यानी ये पूरा ऑन हो रहा है। तो किसी भी सेट को यहाँ पर देखिए पूरा 100% जजमेंट नहीं मिला, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रीडिंग आपने देखा कि 100, 90, 70 इस तरीके से फ्लैक्चुएट करके जीरो हो जा रहा था। तो हमें सेट में क्या करना है, एक बार बैटरी को भी लगा कर देखना है कि सेट किस कंडीशन में है। तो इस तरीके से ये हमें पता चला कि ये सेट हमारा ऑन हो रहा है। लेकिन अगर इन केस ऐसा होता है कि मेरा उसी रीडिंग पे फ्लैक्चुएट करता है या फिर स्टक हो जाता है और बैटरी लगाने पर भी ऑन नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, सेट को उसमें सॉफ्टवेयर चेक करना है, यानी सिस्टम में लगा कर चेक करना है कि वो डायरेक्ट पोर्ट तो नहीं बना रहा है। फिर उसको EDL, जैसे अगर क्वालकॉम है तो जानते होंगे, EDL शॉर्ट करा के उसमें सॉफ्टवेयर करके देखना है कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जब इस रीडिंग पर अगर सेट नहीं ऑन होता है क्वालकॉम का सेट, तो उस केस में ज़्यादातर हमारी MMC या सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम निकलती है, ठीक है। अब देखते हैं, हमारे पास एक और सेट है, यहाँ पर टोको का X2 सेट है, इसको भी हम DC मशीन से ऑन करके देखेंगे। ये सेट इस प्रॉब्लम पे है, ये सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो हम ये देखते हैं इसमें किस तरीके की रीडिंग आ रही है। ठीक है, हमने बैटरी कनेक्टर पर लगा लिया और जैसे ही हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे रीडिंग कितना जा रहा है। अब मैंने जैसे पावर बटन को प्रेस करके रखा हुआ है होल्ड करके, तो ये 300 यानी 345 यानी 345 200 बस इतने पे ही आपका रीडिंग फ्लैक्चुएट कर रही है। और अगर हम पावर बटन को यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ देखिए ये भी ध्यान रखना है कि पावर बटन छोड़ने पर रीडिंग क्या होनी चाहिए, यहाँ पे जीरो हो जा रही है। और फिर अगर हम पावर बटन यहाँ पर प्रेस करते हैं तो ये भी क्या हो रहा है, रीडिंग फिर डायरेक्ट वहीं पर जा रही है। तो इस सिचुएशन में ज़्यादातर सेटों में ये होता है कि इस तरीके से लगता है कि सेट अपनी बूट रीडिंग पर पहुँच रहा है, ठीक है। अब बूट रीडिंग पे पहुंच रहा है, अगर पावर बटन प्रेस करने पर यहाँ पे छोड़ने पर यानी पावर बटन रिलीज करने पर ये रीडिंग जीरो हो जा रही है। तो ये पोको X2 का यानी एक क्वालकॉम सेट है। इस तरीके की कंडीशन में सेटों में ज़्यादातर हम देखते हैं जो प्रेजेंट टाइम में रेडमी के सेट आ रहे हैं, उसमें हमारा CPU ड्राई हो जाता है या CPU को रिवॉल्व करना पड़ता है, उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अगर हम पावर बटन को प्रेस करके रखते हैं और रीडिंग वहाँ पे स्टक हो जाती है, तो भी ऐसा हो सकता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि आपका रीडिंग यहाँ पर आके आपका रिटर्न जा रहा है। तो इस केस में हम सबसे पहले CPU की सप्लाइयाँ यानी CPU को चेक करेंगे, CPU भी ड्राई हो जाता है, CPU की सप्लाइयों का भी इशू आता है, या उसमें उसकी जो UFS लगी होती है वो भी आपकी ख़राब हो सकती है या उसकी प्रोग्रामिंग में दिक्कत हो सकती है। तो अभी तक हमने जितने सेट देखे उसमें ज़्यादातर हम लोगों को ये प्रॉब्लम मिली कि यहाँ पर जो रीडिंग है हमारा सेट को ऑन करते वक्त मोस्टली 3 डिजिट में जाती है। अभी तक कोई भी सेट ऐसा नहीं मिला जिसको ऑन करते वक्त रीडिंग एम्पियर तक गई हुई, ठीक है। फिर हम इस तरीके से कभी भी सेट में प्रॉब्लम आए तो फाइंड करने के लिए DC मशीन का जजमेंट जरूर लें। तो हम इसको पहले, अगर ये सेट में इस ये कंडीशन है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम इसको चेक करेंगे सेट में, CPU वर्क करेंगे और MMC का वर्क करके देख सकते हैं। अभी हमारे पास सैमसंग का सेट है और ये सैमसंग का है M30 सेट, ठीक, M30 सेट है। सैमसंग के सेट अक्सर ऐसे होते हैं कि अगर हम DC पावर सप्लाई से सिर्फ प्लस माइनस की सप्लाई देकर ऑन करेंगे तो हमारे सेट ऑन हो जाते हैं। इसी तरीके से आईफोन के सेट भी होते हैं, अगर मैं DC क्लिप में सिर्फ लगाऊंगा तो उसके प्लस माइनस पोर्ट पर लगाने पर वो सेट ऑन हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सैमसंग के सेट को मैं देखता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं बैटरी कनेक्टर पे इसमें सप्लाई दे रहा हूँ प्लस की अभी तक। अब मैं पावर बटन को प्रेस करता हूँ तो पावर बटन प्रेस करने पर यहाँ पर ये रीडिंग देखिए कितना है, 150, और रीडिंग ये देखिए कंटिन्यू फ्लैक्चुएट कर रही है। अब रीडिंग देखिए बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन में है, 200, 500, 1 एम्पियर तक कंज्यूम किया। तो सेट 1 एम्पियर जब कंज्यूम करता है तो वो सेट बूट रीडिंग पे होता है, ये देखिए वहाँ पे 1 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है और सेट हमारा बूट कर रहा है। जैसे ये बूट रीडिंग से बाहर आएगा यानी लोगों की तरफ जाएगा, होम स्क्रीन की तरफ, तो एम्पियर धीरे धीरे से कम होते जाएंगे, क्योंकि सेट कभी भी ऑन होते वक्त अगर 1 एम्पियर ले रहा है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है कि शॉर्टिंग हो सकती है। सेट अपनी बूट रीडिंग के समय 1 एम्पियर के लगभग ले सकता है, उसके बाद वो धीरे धीरे एम्पियर कम हो जाएंगे। तो अभी देखिए सेट हमारा यहाँ पर ऑन हो गया है।
ठीक है, अब देखिए ये स्क्रीन ऑफ हुई और इसका एम्पियर कम हो गया। अगर शॉर्टिंग होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो कंटिन्यू प्रॉब्लम ज़्यादा एम्पियर कंज्यूम करने की बनी रहती है। तो ये देखिए सैमसंग सेट को जब हम डीसी मशीन से ऑन करते हैं तो वो प्रॉपर हमारे ऑन भी हो जाते हैं। अब हमने एक ऐसा होता है कि हम जैसे हमारे पास सैमसंग के सेट आते हैं उनमें ज़्यादातर डबल डेकर सीपीयू होता है, तो हमने एक सेट लिया है, ये हमारे पास डेड में आया हुआ है और इसमें डबल डेकर का ही प्रॉब्लम है। तो जैसे कि हमारे पास डबल डेकर के लिए सेट आता है तो मोस्टली देखते हैं या तो हमारा सैमसंग का सेट वो तो चार्जिंग का एक राउंड सर्कल में स्टक हो जाता है या फिर सैमसंग लिखकर स्टक हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास सेट आता है और आपको ये जजमेंट लेना है कि इसमें डबल डेकर का इशू हो सकता है कि नहीं, क्योंकि उसमें सीपीयू के ऊपर रैम लगी होती है, ठीक है, और सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो डीसी मशीन से कैसे पता करें कि मेरा डबल डेकर का इशू हो सकता है। तो मैं ये सैमसंग के सेट है हमारे पास M30, तो मैं इसको डीसी मशीन से, इसमें प्रॉब्लम है तो मैं डीसी मशीन से आपको रीडिंग दिखाऊंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें डबल डेकर का इशू है। तो देखते हैं इसमें क्या एम्पियर कंज्यूम करता है। अब ये देखिए, ये मैंने जैसे ही इसको यहाँ पर मैंने पावर बटन को प्रेस किया तो ये 148 के पर जाके स्टक हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका पावर बटन रिलीज कर देना है, यानी पावर बटन छोड़ देना है। तो ये देखिए आपका वो 148 पे जाके स्टक हो गया है। तो अगर ये रीडिंग इतने पर जाके, यानी 130 या 148 यानी 170, ठीक है, इतने पर जाके यानी 170, 145, 150, 130 पे जाके रुक जाती है, तो इससे ये पता चलता है सेट बूट होने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसकी रैम पूरी तरीके से सेट को नहीं मिल रही है। तो इससे ये प्रॉब्लम पता चल रही है कि हमारे जो सेट में प्रॉब्लम है वो है डबल डेकर की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी इसकी रैम और सीपीयू ड्राई हो सकता है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि इसमें हमारा जो सेट में प्रॉब्लम है वो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो अभी आती है वो हमारा सीपीयू और रैम की प्रॉब्लम है। अब हम क्या करते हैं, एक सेट हमारे पास बिल्कुल लेटेस्ट सेट है क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे सेट ऐसे आ रहे हैं जिसमें डबल बैटरी जैसा दिखता है, यानी 8 वोल्टेज बैटरी का सेट है, और इस सेट में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैंने अपना चैनल 2 जो है मेमोरी 2 मैंने 8 वोल्टेज पे सेट कर रखी है, तो मैं सेट को 8 वोल्टेज 5 एम्पियर पे चेक करता हूँ। मैंने इसका आउटपुट ऑन कर लिया है, मैं बैटरी कनेक्टर पे सप्लाई देता हूँ और ये सेट अभी फ्रेश है, इसको रिपेयर करना है। मैं लेकिन पहले जजमेंट लेना है कि सेट में प्रॉब्लम क्या है, उसी के अनुसार हम अपना काम करेंगे, ठीक है। जैसे मैं इसके वीवैट पे वोल्टेज देता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैंने कोई पावर बटन प्रेस नहीं किया, मैं फिर से लगा रहा हूँ, मैंने कोई पावर बटन प्रेस नहीं किया है, फिर भी ये यहाँ पर एम्पियर अपने आप ही कंज्यूम कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि इस सेट की में शॉर्टिंग है, ठीक है, किस टाइप की शॉर्टिंग है, क्योंकि शॉर्टिंग्स के भी कई टाइप होते हैं। तो अगर कोई भी सेट आता है और हम डीसी पे डालते हैं, चाहे वो 4 वोल्टेज बैटरी का हो चाहे 8 वोल्टेज बैटरी का, अगर इस तरीके से डालने पर अपने आप एम्पियर कंज्यूम करता है तो इससे हमारा सेट में शॉर्टिंग होती है और वो प्राइमरी लाइन में होती है, जैसे कि जहाँ पर बैटरी की सप्लाई जा रही हो या फिर डीपीएच पावर की सप्लाई जा रही हो। और अगर सेट में पावर बटन प्रेस करने पर डायरेक्ट हमारा यहाँ पर लेता है 800, 700 या फिर 1 एम्पियर लेता है, तो इससे पता चलता है जब हमने पावर बटन प्रेस किया तो पावर बटन प्रेस करने पर हमारी पावर ऐसी एक्टिव हो जाती है। तो उसके बाद अगर हमारा सेट ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, ठीक है, जैसे मैं अभी देखिए जैसे दोनों मैंने को क्या करता हूँ, मैं ग्राउंड करता हूँ, तो सेट में देखिएगा अचानक से यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो मैं फिर से सेट कर लेता हूँ, जिससे 4 वोल्टेज पे आउटपुट मैं ऑन करता हूँ, जैसे मैं क्या करता हूँ प्लस माइनस की दोनों वायर को आपस में टच कर रहा हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर वोल्टेज कम हो जा रहा है और एम्पियर बढ़ जा रहा है। तो इस केस में जब हम कहीं पर सप्लाई देते हैं तो इससे पता चल रहा है कि सेल्फ जो सेट है हमारा मोबाइल फुल शॉर्ट हो गया है, यानी अगर मैं बैटरी कनेक्टर पर दे रहा हूँ, बैटरी कनेक्टर पर देने पर अगर मेरा सेट इस तरीके से पावर कंज्यूम करेगा तो वीबैट की लाइन में आपका शॉर्टिंग हो सकती है, यानी जो बैटरी की सप्लाई जहाँ तक जा रही है वहाँ पर फुल शॉर्ट हो गई है, ठीक है। अगर वोल्टेज ड्रॉप होते हैं और यानी वोल्टेज आपके यहाँ पे डाउन जाते हैं और एम्पियर बहुत ज़्यादा बढ़ता है किसी भी लाइन पे, तो वहाँ पर वो लाइन बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई, यानी फुल शॉर्ट की कंडीशन में हो सकती है। और अगर हमारे पास जैसे ये सेट है तो बोल हम बोलते हैं हाफ शॉर्टिंग, ठीक है, तो हाफ शॉर्टिंग का केस यहाँ पर हम जो जजमेंट लेंगे तो यहाँ पर शॉर्टिंग क्या है, पहले तो हम ये जजमेंट लेंगे किस लाइन पर शॉर्टिंग है। तो जैसे मैं बैटरी पर दिया तो यहाँ पर अपने आप एम्पियर ले रहा है, तो सबसे पहले इसमें है प्राइमरी लाइन पर शॉर्टिंग, तो प्राइमरी लाइन में इसमें वीपीएच लाइन पे शॉर्टिंग हो सकती है, यानी वीपीएच को चेक करना है, वीपीएच पे जाके हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे किस टाइप की शॉर्टिंग है, यानी फुल शॉर्ट है या हाफ शॉर्ट है। फिर अगर पावर बटन प्रेस करने के बाद में अगर सेट मेरा ज़्यादा एम्पियर लेता है तो इसका मतलब सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है, यानी पावर आईसी से बनने वाली सप्लाईयों में शॉर्टिंग हो सकती है।
तो उनकी बक कॉइलों में, एलडीयू सप्लाइयों में चेक करेंगे, वहां पर चीज शॉर्टिंग हो सकती है। ठीक है, कुछ सेट ऐसे भी आते हैं कि जब हम चेक करते हैं तो डीसी मशीन पे लगाने पर, यहाँ पर अगर हम लगाते हैं तो सेट पावर बटन प्रेस करने पर भी 0-0 लेते हैं। ठीक है, पावर बटन प्रेस करने पर 0-0 लेते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि सेट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर पावर बटन प्रेस करने पर 0-0 लेना है तो आपका पावर बटन ओके होना चाहिए। तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आप सेट में चार्जिंग लगा के देख लीजिए। अगर आपका चार्जिंग लगाने पर भी 0-0 एम्पियर ले रहा है चार्जर एम्पियर मीटर पे, ठीक है, मैं उसका भी दिखा दूंगा किस तरीके से। और अगर यहाँ पर भी पावर बटन प्रेस करने पे 0-0 ले रहा है तो आपको फर्स्ट चेक करना है कि आपकी वीपीएच लाइन भी प्रॉब्लम कर सकती है, यानी प्राइमरी लाइन में आपका शॉर्टिंग भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका सेट चार्जिंग ले रहा है और यहाँ पर 0-0 ले रहा है तो सेकेंडरी लाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी पावर आईसी के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी हमारे पास सेट आए तो हम क्या करेंगे, पहले डीसी मशीन से उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है।